ये हमारे लिए बहुत गर्व का बात है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी जैसे आदमी के लिए लड़ने के लिए हमारे पास एक युवा प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं, और बिहार की लड़ाई बहुत रोचक होने वाली है और हम 2024 और 25 दोनों में अपना झंडा फहराएंगे। जिस तरह से अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग का कार्ड खेला जा रहा था महागठबंधन से, तो क्या लग रहा है कि पिछड़ा का बेटा को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के द्वारा बनाया गया, तो कुछ नया देखने को मिलेगा क्या 24 और 25 के चुनाव में? बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा चीज़ कि एक काम करने वाला, जो जनता के बीच में रहने वाला और हमेशा जनता के बीच में जनता के मुद्दे को उठाने वाले आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ये भाजपा के लिए बहुत गर्व का चीज़ है। और हम 2024 और 25 में काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कहे नहीं, एक युवा बना है, हम लोग को जानने वाले बने हैं, तो हम लोग खुश हुए हैं। सम्राट चौधरी जी काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं बिहार प्रदेश के भाजपा के, और बहुत एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान हैं, सबों के बीच लोकप्रिय हैं, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सवर्ण हो, सबों को बराबर नज़र से देखते हैं, काम करने वाले हैं और विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं, जमात की राजनीति में विश्वास रखते हैं, और ये प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। भाजपा इनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और हम आगे चल के 24 और 25 का चुनाव जीतेंगे, और 25 में हम भाजपा में इनके नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे। भाजपा नहीं आगे बढ़ रही थी क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, संजय जायसवाल के नेतृत्व में भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन जो नए प्रदेश बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, उनके नेतृत्व में भाजपा और आगे बढ़ेगी, और हम 24 के अच्छा रिजल्ट देंगे और 25 में हम इनके नेतृत्व में बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे। किस नज़र से देखते हैं युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? ये जिस नज़र से हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी जनता को देखते हैं, उस नज़र से ये हमारे राज्य में जनता को देखते हैं, और हम लोग को तहे दिल से खुशी के जश्न मन रहा है इन्हें अध्यक्ष बनने की वजह से। आप क्या बोलना चाहेंगे अति पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा इस बार प्रदेश? हम आशा भरी निगाहों से, हम सब कार्यकर्ता अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को देख रहे हैं, और ये ऐसा देख रहे हैं कि हमें सारी बात पूरी होगी, 24 में भी पूरी होगी और 25 में भी पूरी होगी। एक नया कार्यकर्ताओं में एक नया रक्त संचार हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं और हम पूरे बिहार जीतेंगे और भाजपा की सरकार 25 में अपनी होगी। हाँ, एकदम अपनी सरकार होगी, अपनी सरकार होगी। सर, 25 को देखते हुए इस बार युवा प्रदेश अध्यक्ष युवा को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष? ईटा का जवाब पत्थर से देने वाला इस बार हम लोग को प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार नीतीश कुमार को मालूम चल जाएगा अपना काम। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा निर्णय है कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सुशोभित किया गया, कि जो कि कार्यकर्ताओं के बीच से निकल के, और एक कार्यकर्ता के नाते हम लोग तो यही कहेंगे कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी जिस तरह से विधान परिषद में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, पार्टी के लिए भी, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बढ़िया होगा, बीजेपी बहुत बढ़िया होगा, और हम तो कहते हैं कि लोकसभा की सारी सीटें जीत के इस बार बीजेपी आएगी इनके नेतृत्व में। अति पिछड़ा और पिछड़ा का वोट साधने के लिए महागठबंधन भी रहती थी, इस बार बीजेपी भी वही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ा अति पिछड़ा स्वर्ण का राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, और विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, और इनकी कार्यशैली को देखते हुए इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।